So finally we are doing this together. आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है लॉन्ड्री से, बिकॉज मुझे घर पे ब्लॉग शुरू करने का टाइम मिला ही नहीं था। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। आज विंड स्पीड भी नहीं है, ठंडी नहीं, आज कुछ भी नहीं, मतलब टाइप ऑफ काफी परफेक्ट वेदर है घूमने के लिए। लेकिन फैमिली डे फॉर कैनेडियंस, लेकिन वॉलमार्ट सब आज बंद होगा। $2.25 निकलना, बिकॉज अभी भी मुझे कैनेडियन डॉलर्स के चिल्लर समझ में नहीं आ रहे कि लाइक कौन सा चिल्लर कितने डॉलर का है। बैठे बैठे मैं वही शांति से एक्सप्लोर करूँगा। तो यहाँ पे तो लिखा है 25 सेंट्स, बस $1, और यहाँ पे 1.25, देन $1, यहाँ पे ओनली 0.25, एंड द लास्ट इज 0.25, एंड डन एंड स्टार्ट। तो दिस वाज अ कॉइन मशीन, इसके बारे में बात कर रहा था मेरे कुछ 2-3-4 ब्लॉग्स पहले। अंदर चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, एंड डन। और यहाँ से होपफुली चेंज मिलेगा हमें। आज लॉन्ग वीकेंड है, तो लाइक आज सारी लॉन्ड्री, मतलब आज सारी लॉन्ड्री की मशीन्स ऑलमोस्ट पैक ही है, बिकॉज ये सारे ड्रायर्स पैक है, देन यहाँ पे सारे मशीन्स पैक है। तो लाइक आज काइंड ऑफ थोड़ा बहुत वेटिंग है। पर सैटरडे हॉलीडे था, देन संडे तो ऑफकोर्स हॉलीडे, और प्लस आज है मंडे, आज है फैमिली डे कैनेडा में, सो आज भी टाइप ऑफ हॉलीडे ही है, तो इसलिए आज सारे मशीन्स पैक है। सबसे पहले हम लोगों ने बड़े वाले मशीन में डाले, लेकिन वो बड़े मशीन से फिर हमने इसमें ट्रांसफर किया, ये था आउट ऑफ सर्विस, फिर हमने इसमें ट्रांसफर किया, तो मशीन ही बंद है, और फिर हमने फाइनल इसमें ट्रांसफर किया, तब जाके मशीन हमारा ड्रायर शुरू हुआ है। फिलहाल हम लोग श्री जी को इतने टाइप ऑफ मार्ट है उसके अंदर है, और यहाँ पे गुजराती थाली, देन इन सब सारी आइटम्स First time stepping in this snow with the snow boots. तो मेरा यहाँ पे एक्चुअली हमारा यहाँ पे आते ही पोपोट हो गया। मैंने गलती से हमारा स्लाइडर यहाँ पे नीचे रखा, और वो नीचे स्लाइड होता होता मेरे बिना हमारा वो रहा स्लाइडर, मीन्स हमारे ओनर का। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे नीचे और वो स्लाइडर उठा के ऊपर आऊँ, तो फिर मैं यहाँ पे स्नो स्लाइडिंग शुरू करूँ। तो हमारा स्लाइडर तो ये रहा, और यहाँ पे स्लाइडिंग की जगह भी है। अभी ओनली प्रॉब्लम इज दैट कभी मुझे शूट कौन करेगा, बिकॉज श्रेया भी कुछ काम से घर पे गई है, यहाँ पे अभी अकेला ही हूँ। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या करूँ, कि क्या कैमरा रख के नीचे जाऊँ स्लाइडिंग करने के लिए। यार अब तो लाइक एक ही ऑप्शन है, घर जाओ, कैमरा रखो, फिर मगेन यहाँ पे आओ इसी कड़कती ठंडी में, बिकॉज पिछले लाइक आधे घंटे से यहीं पे हूँ। सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, पीछे सबको दिख रहा हो तो लाइक आगे यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ खड़ी है। सो ये काइंड ऑफ एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है एग्जैक्टली हमारे घर के पीछे, और अगर यहाँ पे स्नो स्लाइडिंग की होती तो लाइक काफ़ी मज़ा आता, बिकॉज लाइक स्नो भी आज तो अच्छी खासी है, प्लस स्नो बूट्स भी है मेरे पास, बट कैमरा में कोई नहीं है। वो बूट्स भी काफ़ी काम की चीज़ है, एज यू कैन सी बर्फ में पैर जा रहे हैं अंदर, फिर भी कुछ भी महसूस हो ही नहीं रहा है। अकेले हुए तो क्या हुआ, कोई पीछे है नहीं, सो लेट मी जस्ट ट्राई, मेरा कैमरा ऊपर ही छोड़ के जाऊंगा, और होपफुली कोई इसे लेके ना चला जाए। एक्चुअली सब यहाँ पे जान पहचान के ही है। आई जस्ट कीप माई कैमरा नियर टू दिस ट्री, और रिकॉर्डिंग ऑन करके आई जस्ट फ्लड दिस, सो लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा होता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर दिस स्नो स्लेडिंग। मैंने भी मेरा कैमरा, आई मीन अभी मैंने मेरे फर्स्ट टाइम मैंने मेरे गोरिल्ला पॉड का एकदम पसली वाला उपयोग किया है। मैंने मेरा गोरिल्ला पॉड इसी यहाँ पे रेलिंग में लगा दिया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टू स्लेड फ्रॉम हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी इन द स्नो स्लेडिंग, सो लेट्स जस्ट ट्राई जस्ट हियर। ओके, तो मेरे बिना ही चला रहा है, और भी ठंडी भी लिटरली बढ़ गई है अंदर, एक और थर्मल टाइप आता है, लेकिन वो मैंने निकाल दिया था सोच के लाइक ठंडी उतनी नहीं होगी, बट ठंडी अभी लग रही है, बट कोई नहीं, आई जस्ट ट्राई दिस। डर तो लग रहा है, बट स्टिल आई जस्ट ट्राई टू डू दिस। आई थिंक ये एंगल एकदम परफेक्ट होगा, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू दिस। Now I know कि इसमें ब्रेक्स कैसे अप्लाई करने हैं फॉर दिस स्नो शूज।
दिस वॉज रियली फन, एक्सपेक्टेड था उससे काफी ज्यादा मजा आया। बाय द वे आई थिंक शूज के अंदर और थोड़ा बहुत हाथ में ठंडा फील हो रहा है बिकॉज मैं थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहा था विद हेल्प ऑफ माई शूज एंड दिस हैंड्स, सो भी ग्लव्स भी अच्छे खासे लाइक गीले हो गए। बट आई जस्ट वांट टू डू दिस वंस अगेन एंड हियर इज द सेकंड ट्राई। सो श्रेया को दिखाने के लिए मैं थर्ड बार आई मीन तीसरी बार ट्राई करने वाला हूँ। So much fun. So finally we are doing this together. वो ब्रेक्स कैसे लगानी है व्हाइल यू आर डूइंग स्नो स्लाइडिंग। ठंडी काफी लग रही है बिकॉज ग्लव्स के अंदर स्नो महसूस हो रहा है और प्लस मेरे स्नो शूज के अंदर भी थोड़ी बहुत स्नो चली गई है। सो या तो अभी श्रेया का परफेक्ट शूट करने में और उसको वापस ऊपर लाने में अभी आई एम गोइंग डाउन। और अभी 360 कैमरा श्रेया गलती से घर पे छोड़ के आई है वरना मैं आपको एकदम अच्छा खासा पूरा 360 में व्यू दिखाता स्नो स्लाइडिंग का। बट कोई नहीं, अभी तो हम कैनेडा में ही है, सो आपको बाद में कभी या तो फिर कल परसों लोग अगेन आएंगे स्नो स्लाइडिंग करने के लिए तब मैं आपको दिखा दूंगा पूरा एकदम परफेक्ट ओके 360 व्यू। और यहाँ पे स्नो प्लस ग्रास दोनों ही है इसलिए काफ़ी संभल के उतरना पड़ता है। और अब तो लगता है कि स्नो बूट्स प्लस स्नो ग्लव्स हमें लाने पड़ेंगे बिकॉज अगर इतनी सारी अच्छी एक्टिविटीज करनी है तो वी नीड स्नो शूज एंड स्नो ग्लव्स। अगर यहाँ से कोई कूदा ना तो सीधा हवे में, लिटरली हवे में। लेकिन मैं लास्ट में जो मैंने किया तब मैं यहाँ पे आके एग्जैक्टली रुका था, अगर मैं थोड़ा स्पीड में होता तो फॉर श्योर ये आगे मैं सीधा हवे में होता। एलोन एक्सपीरियंस रहता है। कमॉन कमॉन कमॉन। देखो गाइस ऐसा होता है, इसी में ऐसी फीलिंग में काफी मजा आ गया। आखिरी बार मैं करूंगा और उसके बाद एक आखिरी बार श्रेया करेगी बिकॉज मैंने मेरे सारे एंगल ऊपर से लिए है अब एक और एंगल नीचे से होगा। How was that? मैं पास में छठी बार कर रहा हूँ, मुझे तो मजा आ गया काफी। I cannot feel my hands really. Neither you, right? Come on, come on, come on, जल्दी जल्दी। Wind speed बढ़ गई plus I think temperature काफी कम हो गया है और ऊपर से हम लोग हाथ से वो resist कर रहे थे, ब्रेक लगा रहे थे, उसी के चक्कर में हमारे हाथ काफी अभी ठंडर काफी सुन्न हो गए हैं। और प्लस ये वाले ग्लव्स लाइक इंडिया से हमने लिए है और लाइक उतने हुए टेम्परेचर ये नहीं सह पाता है। बट कोई काम है, पैसे वसूल हो गए। अच्छे खास हमने ग्लव्स का पैसे वसूल किए हैं। जरूर ट्राई करना। हाँ ये कौन कह रहा है trying. ये कौन कह रहा है जो एक घंटे पहले तक कैन नॉट फील माई फिंगर्स राइट नाउ और प्लस पैरों की फिंगर्स भी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। बट या एग्जैक्टली घर के सामने था सो काफ़ी अच्छा है कि अभी हम लोग फटाफट घर पर पहुँच गए। फाइनली एकदम मस्त डिनर हमारा करके भी हो गया है और आज बाय द वे डिनर में इतनी चली डिलीशियस प्लस वेरी टेस्टी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अब बस सीधा